प्राण प्रतिष्ठा के लिए 16 जनवरी से चल रहे विधि विधान अनुष्ठान का चौथा दिन नवनिर्मित गर्भगृह में रामलला की नई प्रतिमा हो चुकी है स्थापित। आज रामलला की प्रतिमा के अधिवास के कई चरण पूरे होने की प्रक्रिया, औषधिवास, अन्नाधिवास, केसरीधिवास और घृताधिवास का विधान शामिल होगा। गणपति आदि स्थापित देवताओं के पूजन और द्वारपालों द्वारा सभी शाखाओं का वेदपरायण से अनुष्ठान की शुरुआत, शाम को पूजन और आरती होगी। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में अधिवास के तहत मूर्ति को कई सामग्रियों में कुछ समय तक के लिए रखा जाता है। औषधिधिवास, अन्नाधिवास, केसरधिवास और घृताधिवास का विधान है। मान्यता है कि अधिवास से मूर्ति पर शिल्पकार के औजारों से आई चोट ठीक हो जाती है, इसके तमाम दोष खत्म हो जाते हैं। अखबार में विज्ञापन देकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में जानकारी दी। गर्भगृह में शामिल होने वाले लोगों का नाम भी जारी किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन गर्भगृह में मौजूद रहेंगे महंत नृत्य, गोपाल दास जी महाराज, प्रधानमंत्री मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए रहेगा हाफ डे, राज्य सरकार का ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया। 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर। बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखा, 22 जनवरी को छुट्टी घोषित करने की अपील की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन, सुरेश पाडेकर और आर्य आंबेडकर के भजन के मुरीद हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने की सुरेश पाडेकर और आर्य आंबेडकर की तारीफ, लिखा दोनों ने भजन को अपने सुमधुर सुरों में पिरोया है। सोशल मीडिया पर भजन शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश प्रभु राम की भक्ति के रंग में पूरी तरह से सराबोर। प्रधानमंत्री ने विदेश में गाए जा रहे कई भजन शेयर किए, लिखा सूरी नाम और त्रिनिदाद और टबैगो से कुछ भजन हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, रामायण के संदेश ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया है। रवि जैन के गाए भजन के मुरीद हुए प्रधानमंत्री मोदी, सोशल मीडिया पर शेयर किया भजन। प्रधानमंत्री ने रविंद्र जैन की तारीफ की, लिखा प्रभु श्री राम का सार्वभौमिक अपील का अनुभव करें, क्योंकि प्रत्येक भजन भाषा से परे है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रधानमंत्री मोदी ने भजन की तारीफ की, कहा भजन हम सभी को श्रद्धा में एकजुट करता है। प्रधानमंत्री को भाया शारदा सिन्हा का राम भजन, सोशल मीडिया पर किया शेयर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा